आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज की और इस पे हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। जानते हैं उनसे क्या कुछ करके चला जा सकता है कॉमोडिटीज में। तो कैस्टर सीड से शुरुआत करते हैं। बता दें कि कैस्टर सीड आज 7,412 पर ट्रेड करता दिखा है और इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, कैस्टर सीड का बाजार कैसा दिखने को मिल सकता है आगे? देखिए, कैसे हुए, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव आया है मार्केट और अगेन थोड़ा सा उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा कि मार्केट जो है 7,500 के ऊपर निकल पाएगा और 7,500 मैक्सिमम एक अपसाइड हो सकता है। जुलाई वायदा वैसे भी एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो अगर अगस्त वायदा बात करें तो अगस्त वायदा में भी जो है 7,520 की एक अपसाइड मोमेंटम है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो तेजी में जा सकता है, अदरवाइज वहां से डाउनसाइड बन सकता है। और आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि प्रेशर आ सकता है 7,440 से 7,420 की इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से रेंज देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, वही कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो बता दें कि 2,463 पे ये कारोबार करता दिखा है और इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक का बाजार कहां तक जा सकता है, जो इसमें गिरावट देखने को मिली है, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए, बिल्कुल बरकरार रहेगी। और आप देखिए, हमने लगातार आपके ही चैनल पर इसी बुलेटिन में यही बताया कि कैस्टर में लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई देना दे सकता है और हमने ये लेवल भी दिए थे कि 2,400 तक नीचे आ सकता है और इनफैक्ट आने वाले दिनों में 2,100 से 2,000 का भी स्तर संभव है, देखने को मिल सकता है। और अभी भी इसमें प्रेशर है, आज इंटरडे में थोड़ा बाउंस बैक आया तो 2,520 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखिए। अब जल्द ही ये मुझे लगता है 2,300-2,100 इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो बता दें ग्वार गम आज 9,802 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं ग्वार सीड की बात करें तो ये भी लगभग 5,170 के करीब ही ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में तेजी देखने को मिली है, तो इन दोनों कॉमोडिटीज में आगे क्या कुछ करके चला जा सकता है? देखिए, इस कॉमोडिटी में अब थोड़ा सा वापस रिकवरी आनी शुरू हुई है, जो डाउनसाइड था वो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हो सकता है कि खत्म होता हुआ दिखाई दे, जिस तरीके से बाउंस बैक आया है और उधर से क्रूड भी संभला है, इस वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ ग्वार का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट डिमांड तो पिकअप नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर 10,000 के ऊपर अगस्त वायदा निकल जाता है तो वापस से पॉजिटिव मार्केट आ सकता है और सीड भी अगर 5,260 से लेकर 5,280 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो इसमें भी एक पॉजिटिवनेस बन सकती है। यानी कि जो करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है, अब हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी बनती हुई दिखाई दे और वापस से मार्केट जो है वो तेजी में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिनके पास गुआ रखा है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी सस्टेनेबिलिटी आने के बाद ही इसमें नई पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसालों में बता दें धनिया आज 12,114 पर ट्रेड करता दिखा है, जीरे की बात करें तो जीरा 21,840 पर और वहीं हल्दी की बात करें तो ये 7,800 पर ट्रेड करता दिखा है। तीनों ही कॉमोडिटीज़ में मसाले की तेज़ी देखने को मिली है। मसाले में आगे क्या कुछ करके चला जा सकता है? जैसे कि आप हमेशा बताते हैं कि मसाले एक अच्छी कॉमोडिटी है, आगे इसमें कारोबार करके चला जा सकता है, आपका इस पर आगे क्या राय है? देखिए, बाइंग का ही सजेशन रहेगा और अब समर वेकेशन समाप्त होने के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक रुक के तेजी बनेगी और ये तेजी अब मुझे लगता है अगस्त ऑनवर्ड्स अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है तो इस पे बाइंग पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। हल्दी मुझे आपकी अच्छी लग रही है, हल्दी में हल्दी को देखने को मिल सकता है। जीरा 22,500 तक, जीरा बहुत ज्यादा आपको नहीं 5,500 जीरे में भी है और धनिया की वहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, धनिया में एक अपसाइड रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है और धनिया आने वाले दिनों में 13,500-13,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ अगस्त वायदा दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अगर दाल की बात करें तो बोआनी चलने से मंडियों में दलहन की जो आवक है वो घटी है, वहीं सरकारी खरीद के अभाव में भी मूंग की कीमतों में भी गिरावट आई है, तो आपको क्या लगता है दाल का बाजार कहाँ तक देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसमें आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, दालों में अभी प्रेशर है और लगातार हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से मार्केट जो है वो
लुढ़कते हुए ही दिखाई दिए हैं और दालें काफी जगहों पर एमएसपी के भी नीचे हमने बिकती देखी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ एक मंडियों में अभी भी जो आवके हैं वो कम आती हुई दिखाई दे रही है, और इसके चलते हमने तुअर में पिछले वीक जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आते हुए देखी है, तुअर में तेजी आई है और दलहन की अभी बुआई भी की जो सोइंग हो रही है वो भी अभी थोड़ी तेजी से होती हुई दिखाई गई है, क्योंकि अभी कुछ एक दालों में थोड़ा सा उठाव आता जरूर दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी ट्रेंड बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आगे अगर फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड पिकअप होती है तो थोड़ा बहुत बाजार में उठाव आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी नहीं है। अगस्त ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, खाद्य तेल की बात करें तो तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सरकार ने एमआरपी में लगभग 15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की, जो हमें देखने को मिली है। वहीं विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों में जो गिरावट है ये अभी कहाँ तक जारी रह सकती है? देखिए, अभी गिरावट जो है आगे कॉन्ट्रीब्यूशन में रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी तेल कंपनियों ने अपने रेट्स घटाए हैं, घटाने की अभी जैसे एक वीक में एक्सपेक्टेड है कि एक वीक से लेकर एक मंथ के अंदर जो है वो सबकी एमआरपी जो है वो रिवाइज हो जाएगी। इनफैक्ट मदर डेयरी ने तो रिवाइज भी कर दिया और 15 रुपए प्रति लीटर में जो है वो गिरावट देखने को मिली है, और उम्मीद की जा रही है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 रुपए की कमी एमआरपी में और ज्यादा अभी देखने को मिलेगी खाद्य तेलों के अंदर, और अब उपभोक्ताओं को एक राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विदेशी बाजारों में अब जो गिरावट आई है उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है और तेलों के अंदर अब जो है वो प्रेशर बना रह सकता है। जी रूपा जी, हमारे एक दर्शक है दीपक, उनका सवाल है सोयाबीन को लेके कि सोयाबीन 7,000 तक कब तक जा सकता है, कोई अनुमान? देखिए, अभी तो बाजारों के अंदर अगर हम देखें तो प्रेशर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ये प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, और अभी ये दबाव जो है सभी खाद्य तेलों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, इसमें अभी डिमांड जो है अगर पिकअप हो जाती है तो हो सकता है कि प्राइजेस जो है ऊपर आते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं देती है मार्केट के अंदर, और अभी भी आगे चलकर एक्सपेक्टेड तो यही है कि प्राइसेस प्रेशर में रह सकते हैं। तो फिलहाल 7,000 का स्तर अभी तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो बना है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि रेट जो है इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, 6,000 से लेकर 6,400-6,500 की रेट, और इसमें प्रेशर बना रहेगा लेकिन तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, हमारे एक दर्शक है अकबर, उनका सवाल है ग्वार गम ग्वार सीड को लेकर कि क्या कुछ करके ऐसा चले जिससे उनको मुनाफा हो आगे। देखिए, ग्वार गम ग्वार सीड में फ्रेश बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप कुछ एक बाइंग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ा सा ग्वार उठता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर 10,000 के ऊपर निकल जाता है तो वहां पर बाइंग की जा सकती है, और मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। रूपा जी, एक दर्शक है दीपक, उनका सवाल है कि चने में क्या कुछ करके चला जा सकता है, क्या चने को होल्ड करके चले या आगे चने में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी आएगी, अगर रिकवरी आती है तो एग्जिट लेने में ज्यादा समझदारी होगी। जी रूपा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज सप्ताह का पहला दिन है तो इंट्राडे में ओवरऑल पूरे सप्ताह के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटी एग्री कमोडिटीज में रह सकती है जिसमें आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो कमोडिटीज की बात करें तो 5-6 में बाइंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है, बिनोला खल में बिकवाली करके चला जा सकता है, आगे चलकर आने वाले दिनों में 2200 से लेकर 2100 इनफैक्ट 2000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि बिनोला खल 2200 तक आ सकता है, और अगर आ सकता है तो कब तक आ सकता है ये? देखिए, बिल्कुल अभी मैंने जैसे टारगेट दिया कि 2200 से 2100 तक भाव जा सकते हैं, टाइम लग सकता है आने में, आपको हो सकता है 15 दिन से लेकर 1 महीने का ये टाइम पीरियड देखने को मिले, तो यहाँ तक की गिरावट एक बार बन सकती है। जी, एक दर्शक और है जिनका सवाल है कि बिनोला खल को अभी सेव करके चले या इसमें बाइंग कर सकते हैं? देखिए, बाइंग को तो अवॉइड करें, अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आए तो वहां पर आपको बिकवाली करनी है, अभी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और हम तो लगातार यहाँ पर सेलिंग ही देते आ रहे हैं, 2700 से ही बिकवाली का सजेशन दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा बाउंस बैक आने दीजिए, वहां पर आप बिकवाली कर सकते। जी, एक दर्शक है उनका सवाल है रूपा जी कि कैस्टर क्या 8,000 तक का दायरा छू पाएगा, और अगर छू पाएगा तो कब तक?
देखिए कैस्टर्ड में अभी 8,000 का स्तर संभव नहीं लगता है, अगर देखना होगा मार्केट अगर सस्टेन कर गया 7,500 के ऊपर तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। एक दर्शक है वो गेहूं के बारे में जानना चाहते हैं रूपा जी। देखिए गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव जा सकता है, इसमें आप पोजीशन बनाकर आगे चल सकते हैं जी। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो सिलसिला बाजारों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।